खुद से बातें करना, खुद से हंसना, अकेले अकेले बैठे रहना, अंधेरे में बैठे रहना, किससे मिलना नहीं, ये स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हो सकते हैं। इसका मुफ्त में उपचार महात्मा ज्योतिराव फुले योजना अंतर्गत महाराष्ट्र अकोला में किया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया वैसे देखा जाए तो समझी जाती है कि ये एक खतरनाक बीमारी है दिमाग की, और कुछ लोग तो उसको मन का कैंसर भी बोलते हैं। ये क्या है, ये स्प्लिट माइंड की बीमारी है, छिन्न मानस कि जिसमें लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं, काम धंधे पे जाते नहीं, कुछ भी काम करने का उनको मन नहीं करता, ऐसा अनहेड़ो नहीं आया, प्लेजर नहीं लगता, कोई काम में इंटरेस्ट नहीं लगता, उसके दिमाग में विचार चालू रहते हैं और वो विचारों में खुद से खुद हंसता है, वो विचारों को जवाब देता है, खुद से खुद बातें करेगा, ऐसे मर्मरिंग दिखेंगे, मुंह चल रहा है ऐसा दिखेगा। फिर लोग बाजू बाजू से टूट जाते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, किससे बात नहीं करते, नींद नहीं आती, खाना टाइम पे नहीं खाते, स्नान नहीं करते, गंदे रहते हैं। फिर कुछ लोगों को पैरानॉइड डिल्यूजन्स आते हैं, और वो ऐसा है कि लोग मेरे में बात कर रहे, लोग चर्चा कर रहे मेरे बारे में, टीवी पे बात चालू है, रेडियो पे बात चालू है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, मतलब ये जो सब लक्षण जो है, ये स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया खतरनाक बीमारी है, ये बीमारी का इलाज किया जा सकता है। सन्मित्र हॉस्पिटल ओपीडी केड़कर हॉस्पिटल के पास में है, यहाँ पेशेंट को लेकर आते हैं, आते समय ओरिजिनल राशन कार्ड और आधार कार्ड लाते हैं, तो पेशेंट का खाना पीना रहना दवाइयाँ काम पड़े तो शॉक ट्रीटमेंट सभी मुफ्त में किया जाता है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकेंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल स्कीम है, इसका फ़ायदा ले लो। स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। आज हमारे देश में कम से कम 200 लोगों के पीछे एक स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करने की और अच्छी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। और वो अच्छे होते तो कामकाज करेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये पेशेंट लोग ऐसे ही पड़े हुए बिना दवाई के। तो ज़रूर इनका इलाज कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।